आज मैं आपके साथ बकरीद स्पेशल में बकरीद का गोश्त सेव करने की बहुत ज़्यादा बेहतरीन सी टिप शेयर करने वाली हूँ। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना है किस तरह से सालों महीनों आप ब्लड फ्री करके आप गोश्त को जो है ना सेव करके अपने फ्रिज में रख सकते हैं और बिना जो है ना ब्लड किए हुए बगैर, यानी कि गंदा किए हुए बगैर फ्रिज को किस तरह से ना आपने सेव करना है गोश्त को अपने सालों महीनों तक। तो आपने ना इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगी, दो से तीन तरीके सिखाऊंगी किस तरह से आप जो है ना बगैर जो है ना ब्लड लगाए, यानी कि फ्रिज को गंदा किए बगैर अमेजिंग तरीके से किस तरह से सालों महीनों तक जो है ना गोश्त को सेव कर सकते हैं। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है ना बेहतरीन सा गोश्त ले लिया हुआ, यहाँ पर मेरी चर्बी भी मिक्स है और यहाँ पर मेरी रूखी बोटियाँ भी हैं और हड्डियाँ भी कुछ मेरे पास जो है ना मौजूद हैं। तो मैंने यहाँ पर बकराईद का सिंपल गोश्त ले लिया हुआ है, तसला भर के ले लिया हुआ है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में जो है ना रखना चाहें फ्रीज करके तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी कर सकते हैं ये प्रोसेस। तो मैंने यहाँ पर तसला भर के तकरीबन भी ये मेरा 4 से 5 किलो करीब जो है ना यहाँ पर गोश्त होगा। तो यहाँ पर मैंने तमाम जो है ना पीसेस गोश्त के ले लिए हुए हैं, थोड़े से मेरे बड़े बड़े पीसेस हैं ना तो इसलिए ये थोड़ा सा जो है ना कम लग रहा है, लेकिन ये वेट में ज़्यादा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो है ना अपने हिसाब से गोश्त ले लिया। आपका किसी भी तरह का गोश्त हो, मैं आपको हर तरह के गोश्त की ये टिप बता रही हूँ कि आपका किसी भी तरह का गोश्त हो ना, छोटी बोटियाँ हो, बड़ी बोटियाँ हो, हड्डियाँ हो, किसी भी तरह का आपका गोश्त हो ना, उसके अंदर आप जो है ना यहाँ पर तकरीबन भी 1 कप भर के, मेरे पास जो है ना ये फुल बोतल सिरके की है, यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद फुल जो है ना मैं यहाँ पर तसला भर के पानी ऐड कर दूँगी। उसके बाद इसमें बिल्कुल जो है ना आधे घंटे के लिए भूल जाऊंगी। आप जो है ना इसे पंखे के आगे रख के भूल जाइएगा, एसी हो आपके घरों में तो एसी पे भी जो है ना आप रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर पंखे के आगे रखिएगा, स्मेल नहीं करेगा गोश्त, क्योंकि गर्मियाँ तो स्मेल भी कर रहा है गोश्त, तो इसलिए आप जो है ना इसे पंखे के आगे ज़रूर से रखिएगा। इस तरह से ना इसकी जो थोड़ी बहुत स्मेल होगी वो ख़त्म होती रहेगी ना, तो ये फ्रेश सा गोश्त रहेगा। तो यहाँ पर अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी है तो आप तप वगैरह में भी जो है ना एक तरह की जो है ना एक जो है ना सिरके का बोतल भर के ऐड कर दीजिएगा, उसके बाद पानी भर के जो है ना आप टप के अंदर रख दीजिएगा। तो इस तरह से ये होगा, आधा घंटा रखने से तमाम ब्लड जो है ना अच्छे से निकल जाएगा गोश्त का। तो देख सकते हैं आप कितना साफ़ सुथरा निखरा सा हमारा जो है ना गोश्त हो चुका हुआ है, एक एक जो है ना बोटी वाइट हो चुकी हुई है और ब्लड कितना सारा जो है ना निकल चुका हुआ है। लेकिन हम आधा घंटा रखेंगे ना, आधा घंटा रखने से ये और ज़्यादा जो है ना ब्लड छोड़ देगा। तो आप ये प्रोसेस करके ना इससे बिल्कुल जो है ना सोक करके तकरीबन बिना 6 से 7 माह तक इसे आप सेव करके रख सकते हैं, आपका गोश्त बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। चाहे 6-7 महीने भी जो है ना आप इसे सेव करके रखें और तकरीबन 3-4 दिन भी अगर आपकी लाइट नहीं आएगी ना तो आपका गोश्त बिल्कुल भी स्मेल नहीं करेगा। तो देख सकते हैं आप मैंने तकरीबन भी आधा घंटा ही सिर्फ रखा है और ये कितनी अच्छी तरह से जो है ना ब्लड सारा बोटियों का निकल चुका हुआ और ये बोटियाँ कितनी अच्छे से जो है ना वाइट हो चुकी हुई है। ये ताज़ा गोश्त है ना तो इसके अंदर ज़्यादा ब्लड निकलता है, आप ज़्यादा टाइम के लिए इसे रखिएगा। उसके बाद जितना ज़्यादा टाइम आप इसे रखेंगे ना पानी के अंदर सिरके के, उसके बाद ये आपको बिल्कुल बिना ब्लड आपके फ्रिज में टपकाएगा नहीं, बिल्कुल भी ब्लड रिलीज नहीं करेगा। अगर हम बुशर वगैरह से लेते हैं ना गोश्त वगैरह की दुकान वालों से, तो वो लोग भी ना यही प्रोसेस करते हैं, वो काफ़ी टाइम के लिए जो है ना पानी के अंदर, केमिकल वाले पानी के अंदर ना डुबा के रख देते हैं बीफ वगैरह की जो है ना बड़े बड़े पीसेस, तो इस तरह से वेट भी ज़्यादा हो जाता है बीफ का और जो है ना वो उसका जायका भी थोड़ा बहुत ख़त्म हो जाता है, लेकिन इस तरह से जो है ना ब्लड उनका ज़्यादा नहीं निकलता। तो आप ये प्रोसेस कर लीजिएगा, होममेड तरीका है, बहुत ज़्यादा आसान तरीका है। इस तरह से ब्लड फ्री करने के बाद मैंने तमाम पानी को धो करना, यानी कि फेंक कर अच्छे से गोश्त को अच्छा सा दोबारा से 2 से 3 पानी से अच्छा सा निखार के, देख सकते हैं मैंने जो है ना पानी अच्छा सा ड्राई कर लिया हुआ है। इसके बाद हम एक एक करके ना पैकेट बना लेंगे। अब मैं आपको पैकेट्स बनाने का तरीका सिखाती हूँ। आम घर में सिंपल सबके घर में ना इस तरह के पैकेट्स जो है वो बनाए जाते हैं बीफ वगैरह देने के लिए, बांटने के लिए भी और अपना जो है ना फ्रीज करने के लिए भी। तो मैं आपको सिंपल तरीके से सिखा रही हूँ, नहीं तो मेरे पास जो है ना बीफ
के लिए जो है ना वो जो ज़िपलॉक बैग वाले होते हैं ना वो भी मेरे पास हैं। लेकिन मैं आपको सिंपल तरीका सिखा रही हूँ कि हमने ना इस तरह से थैलियों में ना ऐड करने के बाद गोश्त को ना अच्छे से उसकी एयर निकाल के ना बिल्कुल अच्छे से गिठा बांध के इसकी जो है ना नॉट बांध के अच्छे से जो है ना रख देना है। और रखने के बाद एक बेस्ट तरीका मैं और भी आपको सिखाती हूँ। इस तरह से आपका महीनों के अंदर जो है ना बर्फ़ जम जाती है और जो है ना निकालना बड़ा मुश्किल होता है। फिर जब आपको निकालना होता है ना तो आपको पूरा फ्रिज बंद करना पड़ता है, फिर सारी बर्फ़ जो है ना पिघलती है, उसके बाद आप एक थैली निकाल रहे होते हैं। तो इस तरह से आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मैं आपको एक टिप देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर तमाम गोश्त की थैलियाँ बना के रख दी हुई हैं। बिल्कुल मैंने ना एयर निकालने के बाद अच्छी सी थैलियाँ बना के रख ली हुई हैं। और देख सकते हैं आप, 2 से 3 पानी निकालने के बाद भी इतना पानी हमारा एंड में निकला है, तो इसे भी हम फेंक देंगे। तो इस तरह से हमने सरसों का तेल थैली के ऊपर लगा लेते हैं, और जिस थैली को हम इसके ऊपर रखेंगे ना, इस तरह से उस थैली के नीचे वाले पार्ट पे भी लगा लेना है। उसके बाद दोबारा से हम हाथों को जो है ना तेल से, सरसों के तेल से ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद दोबारा से यही प्रोसेस करते जाएंगे। इस तरह से थैली के ऊपर थैली अच्छे से चिपक जाएगी ना। तो उसके बाद जब हम जो है ना डी वाले पार्ट में रखेंगे फ्रीज करके गोश्त को, तो जब हम अमेजिंग तरह से जो है ना, जब भी हमें पकाना होगा ना गोश्त, तो हम जब भी निकालेंगे ना तो हमारे बहुत ज़्यादा ना मेहनत लगे बगैर जल्दी से ना हमारा गोश्त बाहर निकल आएगा। जितनी भी आपकी जो है बर्फ जमी हुई होगी ना, लेकिन आपका गोश्त जो है ना बहुत ज़्यादा आसानी से निकल आएगा। तो जितना भी आपने गोश्त को सेव करके रखना है ना, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने सिर्फ जो है ना अपने हिसाब से ही कुछ जो है ना, मैं तकरीबन भी 2 माह तक या 1 माह तक मुहर्रम तक जो है ना बस मोस्टली चलाती हूँ। उसके बाद मैं इतना ज़्यादा नहीं रखती गोश्त, क्योंकि जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह खाते रहते हैं। तो जो है ना हमारा कुर्बानी का मकसद सिर्फ यही होता है कि गरीबों को, और जितना जो है ना लोग ज़्यादा गोश्त नहीं खाते ना, उनको पहुँच जाए। तो इसलिए कम ही रखिएगा, मेहरबानी करिएगा, थोड़ी रिक्वेस्ट है। जिनको साला साल गोश्त जो है ना वो खाना नसीब नहीं होता, आप लोग भी उनको ज़रूर से पहुंचा दीजिएगा। उसके अलावा जितना आप रख सकते हैं अपने लिए, अपना भी हिस्सा ज़रूर से निकालिएगा। तो मैंने यहाँ पर तमाम पैकेट्स बना दी हुई हैं। उसके बाद जो मैंने थोड़े बहुत पीसेज जो है ना रोस्ट बनाने के लिए करवाए थे ना, वो इस तरह से मैं किसी भी जो है ना एयर टाइट जार में भर के रख दूँगी। इस तरह से भी ये होता है कि आपकी जगह की भी बचत रहती है, और जो है ना ये होता है कि आपने सिंपल जब भी बनाना हो ना, तो आपने सिंपल तरीके से निकालना है और उसे रोस्ट बनवा लेना है। तो यहाँ पर मैंने जो है ना रोस्ट के बड़े बड़े पीसेस इस तरह से एयरटाइट जार में ना भर के रख देने। रख देने के बाद जब भी मुझे चाहिए होगा ना, और मैं एयरटाइट जो है ना जार को खोलूँगी और आराम से निकाल लूँगी, ना इतनी बर्फ़ जमी हुई होगी और ना ही इतना कोई मेरे लिए मसला होगा। अगर आप ज़्यादा पीसेस रखना चाह रहे हैं तो अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन ये तरीका बहुत ज़्यादा बेस्ट है। थोड़ी सी जगह जाती है, लेकिन आपकी चीज़ जो है ना जायके वाली भी रहती है, क्योंकि बर्फ़ जम के ना वो जायका ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप ये प्रोसेस करके रखेंगे ना, तो इसका जायका भी महीनों तक भी आप रखेंगे ना तो महफूज रहेगा, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी सा और बहुत ज़्यादा जो है ना डिलिशियस सा रोस्ट बन के रेडी होगा। तो यहाँ पर मैंने तमाम पैकेट्स जो है ना रखने के बाद आपको दिखा रही हूँ, ये मेरा बिल्कुल भी ब्लड नहीं छोड़ रहे, देख सकते हैं आप। मेरा जो है ना थोड़ा बहुत वो होता है कि थोड़ा बहुत जो है ना रखने में हाथ में जो है ना होता है ना, वो ब्लड नीचे जम जाता है, तो फ़ौरन से बर्फ़ जम जाती है, सिर्फ वही है। अदरवाइज़ देख सकते हैं आप, ना मेरा कोई ब्लड जो है ना थैलियों के अंदर से निकल रहा है, और ना ही नीचे कोई गंद हुआ हुआ। मैंने नीचे भी साफ़ रखा हुआ है और ऊपर भी। तो इस तरह से आप भी अपने फ्रिज की सफाई बेहतरीन तरीके से रख भी सकते हैं, और अपना बकरा ईद का जो गोश्त है ना उसे भी आप सेव करके रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने जो है ना आज आपको बहुत ज़्यादा बेहतरीन सी टिप्स दी, और तीसरी आखिरी मैं टिप आपको देती चलूँ। अगर आपने ज़्यादा टाइम के लिए बग़ैर जो है ना लाइट के आपको फ्रीज करके रखना है ना गोश्त को, तो आप गोश्त को ना थोड़ी सी आँच लगा के रख दें, यानी कि एक अच्छा सा फ्राई कर लें, लहसुन अदरक का सिर्फ पेस्ट डाल के थोड़ा सा बॉईल करके रख लें। उसके बाद आपने पानी को फेंक देना है। गोश्त को रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद आपने पैकेट्स में बना के इस तरह से रख लेना है, और तकरीबन भी आपका साल तक आराम से गोश्त चलेगा बिना लाइट के भी। और अगर आप सफ़र में जा रहे हैं ना, तो ये भी आप प्रोसेस कर लीजिएगा। गोश्त को एक आँच लगा के रख कर आप अगर सफ़र पर लेकर जाना चाह रहे हैं ना तो किसी और सिटी, तो आप इस तरह से लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेहतरीन सी 3 टिप्स आपको दे दी हुई हैं बेहतरीन सा गोश्त सेव करने की।
तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ रेसिपी को थम्स अप जरूर से दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।